हम आपको ही ले चलते हैं धामनकर नाका, जहां पर हम आपको बता दें कि पिछले 30 वर्षों से गणेश भक्तों के लिए विभिन्न तरीकों की मंदिरों की झांकियों का निर्माण धामनकर नाका मित्र मंडल स्वाभिमान सेवा संस्था के अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी के नेतृत्व में किया जाता है। ऐसे में गणेश भक्तों का तांता लगा रहता है। सभी गणेश भक्त गणपति महाराज के दर्शन कर हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के धामनकर नाका, जहाँ पर इस बार उत्तर प्रदेश के वृंदावन राधा कृष्ण मंदिर यानी कि प्रेम मंदिर का निर्माण किया गया है। ऐसे में दर्शन करने के लिए आज महाराष्ट्र के राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी पहुंचे गणेश जी के आशीर्वाद के लिए। हम आपको बता दें कि पिछले 30 वर्षों से धामनकर नाका मित्र मंडल की ओर से विभिन्न तरीकों के मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में गणेश भक्त यहां पर उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 125 फीट की ऊंचाई पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है धामनकर नाका मित्र मंडल के अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी के नेतृत्व में, जिनके देख रेख में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। पिछले 30 वर्षों से इसी तरह गणेश भक्तों के लिए विभिन्न तरीकों की झांकियों की निर्माण कराते हैं। आज हमारे चैनल से संवाद करते हुए राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी ने शहर की समस्याओं को लेकर क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। शेट्टी जी के माध्यम से इस मंडल का जो उत्सव यहाँ पर होता है, यहाँ का जो चित्र देखा हुआ होता है, वो चित्र देखा हुआ बहुत अच्छी तरह से यहाँ के सभी कार्यकर्ता संतोष शेट्टी और सब लोग करते हैं। ये देखने के लिए मैं हर साल आता हूँ। मुझे बहुत आनंद होता है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक भिवंडी शहर में एक बहुत अच्छा गणेशोत्सव ये सब कार्यकर्ता मनाते हैं। मैं भिवंडी के सभी कार्यकर्ता नागरिक बंधु भगनी सबके लिए गणराय के चरण में मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको अच्छी आयु मिले, आरोग्य मिले और आने वाले कल में उनको बहुत ज़्यादा सफलताएँ प्राप्त हो। गणपति तो आकर विराजमान हो गए, उसके बाद नवरात्रि लग रही है, उसके बाद असेंबली इलेक्शन लग रहे हैं, यहाँ की जन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई, क्या कहेंगे? ये तो बात सच है कि भिवंडी शहर बहुत कंजेस्टेड ऐसा शहर होने की वजह से यहाँ पर नागरिक सुविधाओं का अभाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम जहाँ तक हम समझ आते हैं कि यहाँ पर की बहुत बड़ी समस्या जो ट्रैफिक की समस्या है, वो ट्रैफिक की समस्या के लिए हमने जो उड्डान पुल जो बनाने थे, उड्डान पुल बनाने का निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ज़्यादा पैसे इस शहर के लिए दिए हैं। यहाँ के नागरिक सुविधाओं के लिए भिवंडी शहर हो और पूरे के पूरे भिवंडी लोकसभा मतदार संघ के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो सड़कें अच्छी तरह से बननी चाहिए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं। यहाँ का आरोग्य लोगों को सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए भी हम प्रयास करें। आने वाले कल में भिवंडी शहर ये उद्योग के मामले में एक नंबर का शहर होना चाहिए, जो पहले था आज भी है, लेकिन यहाँ पर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आनी चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। आने वाले कल में ये सब चीज़ें यहाँ पर होने वाली है और माननीय यहाँ के अध्यक्ष जो हैं संतोष शेट्टी जी हो, विभाग के अध्यक्ष कपिल पाटिल जी हो,
महेश चौगुले जी हो, ये सभी जो यहाँ के सभी नगर सेवक हो, इन सब नेतागणों की बहुत ज़्यादा प्रयास है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो निधि की आवश्यकता है वो निधि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ले आए, और ये सब लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर ये सब चीज़ों की शुरुआत करें। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सभी प्रदेश में अच्छी तरह से विकास के काम शुरू हो गए हैं। केंद्र और राज्य के माध्यम से जो बहुत सालों से जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो सत्ता थी, जो वहाँ पर जो यूपीए की सत्ता थी, तो सत्ता में जो काम हुए नहीं थे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त में हो गए हैं। तो हमें पूरा हमें विश्वास है कि आने वाले चुनाव में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगली बार मोदी सरकार फिर एक बार जरूर होगा। थैंक यू। कितने दिनों का गणपति ये आपने स्थापित किया है और इसको कितनी मेहनतों के बाद ये आपने मंदिर को स्थापित किया और क्या दिखा हुआ है? नहीं, हमारा 300 साल है बस, और 11 दिन गणपति का बैठा गया और ये प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश का वो मथुरा का हमने बनाने की कोशिश की और पूरे 125 फीट का हाइट है इसमें, और इसको बनाने हमको ये एक 1.5 माह लगा। हमको पूरे कलकत्ता से हमारे वर्कर आए थे धंधे करके, और अंदर आप देख रहे हो सब जो बना हुआ है कृष्णा भगवान, अंदर गणपति जो बैठी है वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट है आदिब खान, उन्होंने बनाया। मेहनत में बोला आपको 1.5 महीना मेहनत लगा हमको, और इसके हम लोग 4 महीना पहले से प्लानिंग करते, और कारीगर इसमें 200-250 कारीगर लगे, पूरा कलरिंग से लेके शेड खड़ा करता जी, और दिन रात काम होता है। इस संस्था के अध्यक्ष होने के नाते भिवंडी की शहर की स्थिति भी बहुत नाजुक और दयनीय बनी हुई, इस विषय पर भी कुछ प्रकार डाले? इस विषय पे तो पकड़ डालने का तो बहुत जरूरी, आपने सवाल अच्छा किया, हर जगह पे आज जहाँ भी जाऊँ मैं तो रस्ते के बारे में बात करते हैं हमको, तो सफाई के बारे में, और कहा ना कहा इसमें महापालिका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री यहाँ के खासदार आमदार हमारे मुख्यमंत्री का जब उन्होंने कहा, तो मुख्यमंत्री ने MMRDA के माध्यम से 52 रस्ते के लिए हमको फंड सक्सेस किया, जिससे 12 रस्ते वर्कआउट हो गया, टेंडर हो गया, वर्कआउट भी हो गया। आपको गणपति के बाद उसका काम दिखेगा। जहाँ भी सत्ता जो है शिवसेना कांग्रेस सत्ता है नगर पालिका में, उनके पास पालक मंत्री था, सब कुछ था, फिर भी उन लोग नहीं कर सके। ये बात जब CM को पता, CM खुद MRDA को स्पेशल करके, सब जगह काम चल रहा था, ब्रिज का काम चल रहा था। आज आप तुम देखते हो नितिन गडकरी ने फंड दिया हमको, ये सेंटर का फंड, एक्चुअली ये रास्ता जा चुका था, अभी समझो खासदार के करने से नितिन गडकरी ने हमको 85 करोड़ का फंड दिया, जिसका काम देख रहा हो। और गए 2-3 महीने में 6 महीने आपको दिवाली के बाद आपको भिवंडी की बदल 100% की। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।